स्वागत है आपका समाजिक ज्ञान पे आज हम चैप्टर टेन अंकल रिचर्ड्स न्यू ईयर डिनर पढ़ेंगे प्रेसी बेकर वाज बाइंग मैचेस इन अ स्टोर व्हेन शी सा हर अंकल रिचर्ड वॉकिंग इन शी वांटेड टू रन टू हिम एंड विश हिम अ वेरी विश हिम अ हैप्पी न्यू ईयर बट शी स्टॉप्ड बिकॉज शी न्यू दैट अंकल रिचर्ड एंड हर फादर हैड क्वरल्ड many years ago and they had stopped talking to each other. As Uncle Richard left the store, she heard him tell the shopkeeper that he was alone at home and would cook his dinner after he returned from town. Pressy Becker, jo Betty beti hai, ladki hai, माचिस ख़रीदने के लिए एक स्टोर में गई तब वहाँ उसने देखा कि उसके चाचा देखिए इंग्लिश में अंग्रेज़ों में चाचा के लिए मामा के लिए सिर्फ अंकल वर्ड ही यूज़ होता है जबकि हमारे यहाँ क्या है अगर पिता से बड़े भाई हैं तो ताऊ हो गए और पिता से छोटे भाई हैं तो चाचा हो गए अंकल हम यहाँ चाचा को मान के चलते हैं रिचर्ड वॉकिंग इन तभी उन्होंने देख उसने देखा कि उसके चाचा रिचर्ड आ रहे हैं वो उनको शी वॉन्टिड टू रन टू हिम वो उनके पास जाके उन्हें विश करना चाहती थी हैप्पी न्यू ईयर मगर वो बट शी स्टॉप बिकॉज शी न्यू मगर वो रुक गई क्योंकि वह जानती थी कि अंकल रिचर्ड एंड हर फादर हैड कोरल्ट दोनों का आपस में क्या है झगड़ा है मैनी ईयर्स एगो कई साल पहले हो गया था एंड दे हैड स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर तब से उनकी एक दूसरे से बातचीत बंद है एज अंकल रिचर्ड लेफ्ट द स्टोर अंकल रिचर्ड ने जब स्टोर छोड़ दिया मतलब वहाँ से वो चले गए शी हर्ड हिम टेल द स्टोर स्टोर कीपर तो जो शॉप कीपर है वो उस, उसने आ, उस लड़की को बताया कि वो अकेले रहते हैं घर में और अभी जाके वो अपने लिए खाना पकाएंगे अभी अभी वो टाउन से वापस आए हैं अकेले हैं घर में और खाना भी उन्हें खुद ही पकाना पड़ेगा आफ्टर हर अंकल रिचर्ड हैड ड्रिवन अवे प्रेसी वॉक थाटफुली होम अब प्रेसी ने क्या किया कि जब उसके चाचा वहाँ से चले गए तो प्रेसी ने भी सोचना शुरू किया चलते चलते सोच रही है जब वो घर की तरफ को चल रही है तो शी हैड प्लान टू स्पेंड अ नाइस लेजी क्रिसमस हॉलीडे विद हर फादर उसने प्लान किया था कि वो ये जो सुस्त और क्रिसमस की रात है जो छुट्टी है वो अपने फादर के साथ स्पेंड करेगी तो उसी के लिए वो प्लानिंग अपने दिमाग में कर रही थी बट शी बट एज शी वॉकड होम शी रियलाइज दैट अंकल रिचर्ड वुड हैव एन अनहैप्पी न्यू ईयर जब वो घर पहुंची तो उसको ये बात का आभास हुआ रियलाइज करने का मतलब आभास होना समझ में आना कि अंकल रिचर्ड की भी जो ये न्यू ईयर है वो बड़ा अनहैप्पी है क्यों है अनहैप्पी एक तो वो अकेले हैं सेकेंड चीज़ क्या है कि अभी अभी वो बाहर से घर आए हैं और उनको अपने लिए खाना भी पकाना पड़ेगा ही वुड रिटर्न फ्राम टाउन अभी अभी वो शहर से आए हैं कोल्ड एंड हंग्री ठंडाए हुए और भूखे टू एन एम पी टी हाउस एंड अनकुक डिनर कैसे प्रवेश करेंगे अपने खाली घर में घुसेंगे और खाना भी उन्हें खुद ही बनाना पड़ेगा सडनली एन आइडिया पॉप्ड इन टू हर हेड तभी अचानक सडनली मतलब अचानक एक आइडिया दिमाग में पॉप्ड इन टू हर हेड पॉप्ड का मतलब जैसे पॉपकॉर्न होते हैं ना पॉप होते हैं एकदम से एक दिमाग में उसकी आइडिया फूटा शी हरेड होम वो जल्दी से काम कर रही है घर के अंदर पुट हर मैचिज अवे उसने माचिस साइड में रख दी लॉक्ड द डोर घर के दरवाजे को ताला लगाया एंड स्टार्टअप द रोड टू अंकल रिचर्ड्स हाउस हाफ अ माइल अवे और उसने क्या किया चलना शुरू किया रोड पर अंकल रिचर्ड के घर की तरफ से जो उससे उसके घर से आधा मील दूर था मतलब आधा मील दूर का मतलब कि थोड़ी दूरी पर ही था ज़्यादा दूर नहीं था प्रेसी एंटर्ड अंकल रिचर्ड्स हाउस थ्रू द वुड शेड डोर विच वॉज़ अन फास्ट वुड शेड डोर होता है लकड़ी का दरवाज़ा लकड़ी के दरवाजे से उसने घर के अंदर एंट्री ली शी वेंट इन टू द किचन एंड लॉग लुकड अराउंड और वो किचन के अंदर गई और उसने आसपास सब जगह नज़र दौड़ाई दिस वॉज एन एडवेंचर ये एक तरह का एडवेंचर था एडवेंचर का मतलब साहसिक कार्य किसी काम को करने में मज़ा आए लेकिन आप मन में भी डर रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए तो डांट भी पड़ सकती है तो एक तरह का ये एडवेंचर था दिस वॉज़ फन ये एक मज़ेदार काम था she would tell her father all about it usne apne father ko jab ye batayegi and how proud it would make him to wo unko kitna proud feel hoga ki unki beti ne ye kaam ki hai there was still a good fire in the stove चूल्हे में अच्छी आँच थी and in the pantry pressy found all the vegetable she needed और pressy ने उसकी pantry में वो सारी सब्जियां भी प्राप्त कर लीं जिसकी उसे ज़रूरत थी पटैटो कैबेज एंड टर्निप्स पटैटो मतलब आलू कैबेज मतलब पत्ता गोभी और टर्निप यानी शलगम ये सारी चीज़ें उसने वहाँ पे देखी शी ऑल्सो फाउंड द इंग्रीडियंट फॉर अ रेज इन पुडी शी न्यू दैट हर अंकल लव्ड पुडिंग अब उसने वहाँ पर इन्ग्रीडियंट्स भी मिल गए रेज इन पुडिंग के रेजिंग होती है आपकी किशमिश और पुडिंग का मतलब हलवा बनाती है वो एक तरह का हमारे यहाँ हलवा समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में शी न्यू दैट हर अंकल लव दुडिंग उसको यह पता था कि उसके अंकल को पुडिंग हलवा बहुत पसंद है इन अ शॉर्ट टाइम द किचन वॉज फुल ऑफ बबलिंग एंड हिसिंग एंड माउथ वाटरिंग ओडर इवन द रेज इन पुडिंग वॉज ब्यूटिफुली बेक्ड थोड़े ही समय में किचन भर गई बबलिंग एंड हिसिंग बबलिंग का मतलब जब खाना पकता है तो बुँँँग बुँँँग ऐसे आवाज़ आती है कुछ छौका जाता है तो एकदम से ऐसे आवाज़ आती है और माउथ वाटरिंग ऑर्डर से ऑर्डर का मतलब होता है गंध अब बैड ऑर्डर और, और, और माउथ वाटरिंग ऑर्डर में फ़र्क इतना है कि जैसे ही आपको खाने की खुशबू आई तो आपकी भूख बढ़ गई एकदम से पता लगा ये चीज़ बन रही है जल्दी लाओ रहा नहीं जा रहा तो मतलब माउथ वाटरिंग बॉर्डर मतलब टेस्टी खुशबू से पूरा किचन जो था उसका भर गया इवन अ रेजिंग पुडिंग वाज ब्यूटीफुली बेक्ड यहाँ तक कि जो रेजिंग पुडिंग किशमिश की जो किशमिश का जो हलवा था वो भी अच्छी तरह से पक चुका था अंकल रिचर्ड शुड बी होम सून थोड़ी अंकल रिचर्ड जो है वो भी जल्दी घर को आ जाएंगे सेड प्रेसी टू हर सेल्फ उसने अपने आप से कहा एज द क्लॉक स्ट्रा ट्वेल्व और घड़ी ने बारह बजा दिए सो आई विल सेट द टेबल ना हो तो मैं क्या करती हूँ खाने का टेबल सजा देती हूँ एंड लीव द डिनर वेयर इट विल स्टे वॉम और खाना गर्म रहेगा तो मैं छोड़ के उसको और घर चली जाती हूँ एक तरह से उसने सरप्राइज प्लान कर दिया तो अभी लगा दूँगी तो खाना गर्म रहेगा उनके आने तक प्रेसी set the table and she was just leaving when a gruff voice behind her said, "Well, well, what does this mean?" तो जैसे ही प्रेसी ने table सजाया खाना लगाया और वो घर छोड़ने ही वाली थी मतलब वहाँ से निकलने ही वाली थी उस रूम से तभी एक भारी भरकम सी आवाज़ उसके पीछे से आई वेल वेल वट डज दिस मीन हम्म अच्छा अच्छा ये क्या हो रहा है इसका क्या मतलब है प्रेसी टर्न अराउंड सरप्राइज वो अचानक से चौंक गई और पीछे को मुड़ी सरप्राइज हो गई देयर स्टूड अंकल रिचर्ड डोर वहाँ पे अंकल रिचर्ड चाचा रिचर्ड खड़े हुए थे दरवाजे पर आई आई कम केम अप टू कुक योर डिनर फॉर यू अंकल रिचर्ड शी स्टैमर्ड स्टेमर्ड का मतलब होता है हकलाना उसने बोला मैं मैं आई थी खाना बनाने आपके लिए डिनर के लिए चाचा रिचर्ड उसने हक लाते हुए कहा कि मैं आपके लिए खाना बनाने आई हूँ आई हर्ड यू से दैट यू वर स्पेंडिंग न्यू ईयर अलोन मैंने सुना कि आप अकेले नया साल मना रहे हैं सो आई थाट ऑफ कुकिंग अ न्यू ईयर डिनर फॉर यू जस्ट लाइक फादर एंड माइन उसने कहा कि मैंने सुना कि आप अकेले नया साल मना रहे हैं तो मैंने सोचा मैं आपके लिए खाना बना दूँ नए साल के डिनर के तौर पर जैसे मैं अपने पिताजी और अपने लिए बनाती हूँ इसका क्या मतलब है ये शो कर रहा है कि उस लड़की की माताजी नहीं है फादर और वो लड़की ही घर में रहते हैं और वो लड़की अपने फादर के लिए खाना बनाती है तो उसने यही सोचा कि मैं आप, आपके लिए खाना बना दूँ बट आई मीन टू स्लिप अवे बिफोर यू केम होम मगर मैं यहाँ से निकलने ही वाली थी निकल जाती आपके आने से पहले इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ यू सैड अंकल रिचर्ड ये बहुत ही दयालु वाला काम दयाल दिखाई तुमने मुझ पर यह बहुत अच्छा काम है गुड वर्क सैड अंकल रिचर्ड चाचा रिचर्ड ने बोला आई एम सरप्राइज दैट योर फादर लेट यू कम मुझे हैरानी है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ आने दिया फादर वॉज नॉट एट होम बट ही लव्ज़ यू अंकल रिचर्ड पिता घर पर नहीं है लेकिन वो आपको प्यार करते हैं चाचा रिचर्ड उसने उनको बताया कि वैसे तो चाचा जी घर पे पापा नहीं हैं लेकिन वो आपको प्यार करते हैं और मैं यहाँ आके खाना बना रही हूँ आपके लिए तो इस बात पे वो मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे वो क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं सैड अंकल रिचर्ड वेल सिंस यू हैव कुक द डिनर यू मस्ट हेल्प मी ईट इट इट्स स्मेल्ट गुड आई मस से सि डाउन प्रेसी आई एम हंग्री उसने कहा अच्छा का साउंड करना जैसे नॉर्मल आदत होती है लोग करते हैं जैसे उन्हें कोई चीज़ समझ आ गई तो या कोई अजीब हुई चीज़ तो हुँ, हुँ। इस तरह के साउंड क्रिएट करते हैं थोड़ा सा फीलिंग शो करने के लिए अंकल रिचर्ड ने भी किया कि अच्छा ठीक है जब तुमने खाना बना ही दिया है तो इसको खाने में भी मेरी मदद करो ये अच्छी स्मेल कर रहा है इट्स स्मेल गुड मतलब खाने में ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आई मस्त से मुझे कहना पड़ेगा सिट डाउन बैठ जाओ और प्रेसी मैं बहुत भूखा दे देट डाउन वो बैठ गए अंकल रिचर्ड वाज एविडेंटली वेरी हंग्री बिकॉज ही एट एवरी लिटिल बिट ऑफ बाइट ऑफ फूड एंड हिज ऑन हिज प्लेट विद अ ग्रेट रेलिश ही टॉक टू प्रेसी टू क्वाइटली काइंडली क्वाइट काइंडली एंड पोलाइटली एंड वेन द मी मील वॉज ओवर ही सैड स्लोली अब वो बैठ गए खाना खाने के लिए उसने देखा कि चाचा रिचर्ड जो हैं वो वास्तव में ही एविडेंटली का मतलब क्या होता है साफ पता लग रहा था वास्तव में ही वो बहुत भूखे थे क्योंकि उन्होंने सब कुछ जो उनकी प्लेट में था उसको बड़े इन्जॉय करके आराम से जल्दी जल्दी खा भी रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं रिलिश का मतलब है इन्जॉयमेंट गेस्टो इन्जॉयमेंट आपके पसंद का कोई खाना रहेगा तो आप उसको खाते टाइम एक हैप्पीनेस शो करते हैं फेस पे एक अच्छा सा रिलैक्स और बढ़िया वाली फीलिंग आती है तो वो फीलिंग वो महसूस कर सकती थी कौन प्रेसी उन्होंने खाना खाया और बड़ा क्वाइटली शांति से बड़े प्यार से पोलाइट वे में बात की उन्होंने और उन्होंने जब खाना ख़त्म हो गया तो उसने चाचा रिचर्ड ने प्रेसी से धीरे से बोला आई एम ग्रेटफुल टू यू प्रेसी एंड आई एम सॉरी फॉर क्वेरलिंग विद इरविन उसने कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार गुज़ार हूँ तुम्हारे लिए कि भाई तुमने मेरे लिए खाना बनाया और मुझे अफसोस है सॉरी हूँ कि मैंने झगड़ा किया अरविन के साथ अरविन कौन है प्रेसी के फादर हैं आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड विद हिम अगेन मैं उनसे दोबारा मित्रता करना चाहता हूँ चाहता था बट आई वॉज़ टू अशेवड एंड प्राउड टू एडमिट मगर मुझे इतनी मैं शर्मिंदा था अपने काम पर लेकिन ये कहने में मुझे मैं एडमिट कर रहा हूँ इस चीज़ को प्राउड टू एडमिट इड का मतलब कि मैं क्लियरली बता रहा हूँ ये कहने में मुझे शर्म नहीं है कि मुझे बहुत शर्म आ रही थी उनसे बात करने में क्योंकि मैं उनसे झगड़ा कर चुका था टेल हिम सो फॉर मी क्या तुम ये बात उनको बता दोगी मेरे लिए एंड इफ ही फॉर गिव मी टेल हिम आई हैड लाइक टू स्पेंड समिंग्स विद यू टू लाइक द ओल्ड टाइम्स और अगर वो मुझे माफ़ कर देते हैं तो हम पुराने दिनों की तरह कुछ शाम के टाइम बैठ के बातचीत किया करेंगे जैसे हम पहले किया करते थे ओह यू शुड कम क्राइट प्रेसी जॉयफुली वी विल बी वन हैप्पी फैमिली अगेन अंकल रिचर्ड हाँ जैसे ओ हाँ हाँ क्यों नहीं अच्छा आप ज़रूर आइए उसने खुशी से कहक चहकते हुए हमारे यहाँ इसने क्राइड यहाँ वर्ड यूज़ किया हमारे यहाँ चहकना कहते हैं जो बच्चे खुशी से किसी चीज़ को बोलते हैं तो उनकी आवाज़ थोड़ी चिलाने वाली हो जाती है तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आप आओ वी विल बी वन हैप्पी फैमिली अगेन हम एक बार फिर से वही पहले जैसी खुशहाल फैमिली हो जाएंगे चाचा रिचर्ड अंकल रिचर्ड लुक एट हिज नीज़ विद अ स्माइल अंकल रिचर्ड ने अपनी नीज़ को देखा नीज़ यानि चाचा भतीजी है ये भतीजी को देखा मुस्कुराते हुए यू आर अ काइंड हार्टेड गर्ल तुम एक दयालु हृदय वाली लड़की हो प्रेसी और यू हैड नेवर हैव कुड अ डिनर फॉर एन ओल्ड अंकल और तुमने एक अंकल बुढ़े अंकल के लिए खाना बनाया हु डिज़र्व टू ईट कोल्ड डिनर जो कि डिज़र्व करता था ठंडा खाना खाना फॉर हिज मिस स्ट बॉन्स जो अपनी स्टप बॉन्स का मतलब होता है ज़िद्दीपन अड़ियलपन यहाँ दे रखा है डिटर्मिनेशन टू रिफ्यूज़ टू लिसन टू अदर्स और चेंज हिज़ ओपिनियन सेम चीज़ है कि कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा आइडियल होते हैं किसी बात को अगर कोई बोलता है तो वो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते मैंने कह दिया ये सही है तो यही सही है चाहे बेशक उसके लिए उनको झगड़ना पड़े और फिर जब वो गुस्से में आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वो गलत सलत बोलते हैं और फिर बाद में पछताते हैं उसी तरह का हाल ये चाचा रिचर्ड का भी है इट मेड मी क्रॉस टूडे वेन पीपल विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर but it has brought me my family back already and I believe it will be a happy year all the way though indeed it will laughed Pressey you must promise to come and spend New Year's Day with father and me अब उसने क्या कहा उसने कहा कि लोग जब मुझे wish कर रहे थे New Year तो मैं भी उनको बदले में same to you जैसे कहते हैं वैसे ही कह रहा था लेकिन मुझको ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मतलब मैं ठंडा ठंडा ही कूल रिस्पॉन्स कर रहा था उनको गुस्से में है ना इट मेड मी क्रॉस का मतलब है मेड मी अपसेट और एंग्री कोई मुझे कह रहा है हैप्पी न्यू ईयर तो मैं मन में सोच रहा हूँ कि क्या हैप्पी है इस न्यू ईयर में कोई भी तो मेरे साथ नहीं है मुझे भी घर जाके खाना बनाना पड़ेगा ठंडा खाना खाना पड़ेगा मैं इतना थका हुआ हूँ काश कोई मेरे लिए खाना बना देता इस तरह की बातें उसके दिमाग में चल रहा था जब वो मार्केट में लोग उसको न्यू ईयर विश कर रहे थे और वो पलट के उनको सिर हिला के या सेम टू यू जैसे रिप्लाई कर रहा था लेकिन जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी भती भान ने भतीजी ने उसके लिए खाना बना रखा है तो उसे लगा कि मेरी फैमिली मेरे साथ है तो मेरा न्यू ईयर जो है वो वैसे ही हैप्पी हो गया तो उसने कहा बिल्कुल है बिल्कुल होगा प्रेसी ने बोला और आप प्रॉमिस कीजिए आप वादा कीजिए कि आप घर पे आएंगे और नया साल जो है वो हमारे साथ और मनाएंगे मतलब मेरे साथ और पिताजी के साथ में तो ये है सारी स्टोरीज़ में